और भाई यहाँ पे अगर हम बात करें विच इज़ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर, तो भाई अब बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा साउंड कौन सा करता है, बट एक छोटी सी बात उससे। तो कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। भाई अंडर 1000 विच इज़ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर, ऑप्शंस कौन कौन से जो मैंने परचेज किए, सीधा मुद्दे पे आते हैं। भाई पहला स्पीकर इन्फिनिटी का जियो पेंट सॉरी फ्यूज पेंट, भाई ये आपका एज जो उन्होंने मैंशन किया हुआ है 4.5 वॉट BT वर्जन 5.0, और इसमें आपको मिलता है डबल इक्विलाइजर, मीन्स एक दो मोड है, एक बेस मोड भी है, डीप बेस मोड कुछ भी कह लो, ठीक है। बहुत पोर्टेबल स्पीकर है, आपको दिखाता हूँ कैसा। ये ऐसा स्पीकर है और इसमें माइक्रो यूएसबी चार्जिंग है, एंड बैटरी बैकअप इसका भाई आपको 5 घंटे का मिलेगा। दूसरा स्पीकर भाई आपका आता है एंकर का A0। भाई ये मेरा सबसे पहला स्पीकर था जो मैंने एकदम से बिना कोई रिव्यू देखे, बिना कुछ मंगा लिया, बिकॉज ब्रांड ट्रस्ट। भाई इसमें बैटरी बैकअप आपको मिलेगा 4 घंटे का, BT वर्जन 5.0, स्ट्रैप मिलता है, माइक्रो यूएसबी चार्जिंग है, अपवर्ड फायरिंग स्पीकर है, और भाई इसकी जो वॉटेज है वो कंपनी ने मेंशन नहीं की है, बट जो मैंने पता लगाया अपने थोड़े वो सोर्सेज से तो भाई वो 2.5 वॉट की है, ठीक है। बट एक क्वेश्चन ये है कि ये भी 2.5 वॉट का स्पीकर है और जो ये इन्फिनिटी है 4.5 वॉट का है, बट दोनों की लाउडनेस में फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। भाई थर्ड स्पीकर आता है बोट का 190, 5 वॉट का स्पीकर है, और भाई ये आपका फुल वाटर रेजिस्टेंट IPX7 स्पीकर है। भाई 5 घंटे का बैटरी लाइफ है और इसमें आपको भाई मतलब BT वर्जन 5.0 मिलता है, बहुत अच्छा स्पीकर है। और भाई यहाँ पे एक स्पीकर और है, बहुत फेमस स्पीकर है, मिवी का रोम 2, बिल्ड क्वालिटी कमाल की है भाई, मेन USP है बैटरी बैकअप 24 घंटे का। ये 4 स्पीकर हैं, इनमें से सबसे बेहतर साउंड कौन सा करता है, देखो छोटी सी बात है, मैं यहाँ पे 1 मिनट या 1.5 मिनट में कुछ चीज़ें कवर अप कर रहा हूँ, मेन बात करेंगे साउंड की जो आपको सुननी है और जो सबसे मेन एक्सपेक्ट है। सबसे बात है भाई यहाँ पे 4 स्पीकरों की बिल्ड क्वालिटी इज़ वेरी गुड, ये एक कंसर्निंग फैक्टर नहीं है। रीज़न इज दैट भाई एंकर की बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड, प्लास्टिक मटेरियल बहुत अच्छा है। सिमिलरली इन्फिनिटी की बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है भाई, स्पीकर रग्ड और मतलब अच्छी क्वालिटी है, कोई इशू वाली बात नहीं है। बोट बहुत रग्ड स्पीकर है भाई, IPX7 है, एंड भाई बटन्स भी टैक्टाइल है, क्वालिटी इज़ रियली गुड, प्लास्टिक क्वालिटी एंड मैश क्वालिटी बहुत अच्छी है। एंड भाई जो मिवी है इसकी बिल्ड क्वालिटी तो भाई थोड़ी सी और भी एक्सेप्शनल है, बिकॉज भाई बहुत रग्ड स्पीकर है, बहुत टाइटली पैक्ड है, बटन्स क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, टैक्टाइल है, एंड भाई बाहर एल्यूमिनियम की इन्होंने जाली यूज़ करी हुई है, तो भाई बिल्ड क्वालिटी के रिगार्डिंग आप फिकर मत लो, टेंशन मत लो। सेकेंड पॉइंट कनेक्टिविटी, भाई आपको यहाँ पे 4 में 5.0 मिलता है, एंकर का मेंशन कर दूंगा, श्योर नहीं हूँ वो भी, बट भाई कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग कोई इशू नहीं है, बस हाँ एंकर में बैटरी इंडिकेटर आपके फ़ोन में नहीं आता है, एक ये पॉइंट है। और भाई कनेक्टिविटी के रिगार्डिंग नो इश्यूज, भाई बैटरी दैट इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ ब्लूटूथ डिवाइस। तो भाई यहाँ पे देखो एंकर में और इन्फिनिटी में, एंकर में 4 घंटे का बैटरी बैकअप है, इन्फिनिटी में 5 घंटे का है, और बोट का भी 5 घंटे का है, और भाई यहाँ पे मिवी एडवांटेज ले जाता है, 24 घंटे इनसेन बैटरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बैटरी भी। बैटरी का लालच है भाई तो आप फिर मिवी पे लो, कोई और ऑप्शन नहीं है। बट और भाई यहाँ पे अगर हम बात करें विच इज़ द बेस्ट साउंडिंग स्पीकर, तो भाई आप बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा साउंड कौन सा करता है, बट एक छोटी सी बात उससे पहले कि जो इन्फिनिटी और जो एंकर है भाई, इन दोनों को आप एक साइड रखो, ठीक है, और बिकॉज दोनों सेम साइज़ के अराउंड सेम वॉटेज के स्पीकर हैं, और मिवी और बोट को एक साथ रखो, बट यहाँ पे आप बोट को कंपेयर मत करना इन छोटे स्पीकरों से, मिवी को मत करना। रीज़न इज़ दैट कि भाई आप जब बोट सुन के इस पे आओगे ना एंकर पे, तो आपको एक डाउनग्रेड से लगेगा, बोलोगे यार आवाज़ से मतलब मज़ा नहीं आ रहा, बिकॉज बेस पोर्शन जो है वो निकल जाएगा वहाँ से, तो म्यूज़िक आपको बहुत शैलो फील करेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे आप बोट और मिवी में माइंड रख के चलो कि यार बोट एंड मिवी इनमें से कौन सा लेना है, और अगर एंकर और इन्फिनिटी इनमें से कौन सा लेना है। सबसे पहले भाई मैं आपको बता रहा हूँ भाई एंकर वर्सेस द इन्फिनिटी कौन सा बेस्ट है, सिंपल एंड लेमन लैंग्वेज में भाई यहाँ पे बेस्ट स्पीकर जो मुझे लगा बहुत हमारा म्यूजिक के लिए भाई वो एंकर का है। ये अपनी ऑडियो क्वालिटी में निकल जाता है, छोटा सा अगर मैं डिस्क्राइब करूँ भाई तो ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, मीन्स ये छोटे साइज का स्पीकर है, बट आपके रूम को ना मतलब ये डिसेंटली फील कर देगा, मतलब लाउड नहीं बट विथ द साउंड क्वालिटी एंड द एरोमा ऑफ द साउंड। भाई देखो छोटी सी बात है, इसमें जो बेस पोर्शन है ना आपका किसमें एंकर में, इन्फिनिटी की बात अच्छी है नो डाउट, बट एंकर में थोड़ी सी आवाज लगती है प्रोफेशनल लेवल की, मींस कि इट इज नॉट दैट कि हाइज डाल दिए, बेस बढ़ा दी, इन्होंने क्वालिटी मतलब क्वालिटी पे काम किया आवाज की। जो आपका बेस पोर्शन है भाई वो इतना ज्यादा नीट एंड क्लीन है ना, मींस जो बेस में भाई जो एक बेस होती है उसमें एक अपना उसकी एक साउंड होती है, जो एक धमक होती है, ध लो एंड जो होता है, अगर एक एक्सट्रीम लो एंड ना हो ट्रेवल करता हो बिकॉज इस साइज के स्पीकर में वो एक्सपेक्टेड नहीं है, ठीक है, इस सब ऑफर नहीं है, इट इज अ नॉर्मल ड्राइवर। तो भाई इसमें एक हमें नॉर्मल बेस मिलेगी, इसमें एक
हल्का फुल्का पंच आएगा, बट उसमें क्लैरिटी एंड सफाई होनी चाहिए। ये नहीं कि वो डब्बे जैसी फ्लैट बेस आ रही है, कई बार बेस बहुत फ्लैट आउट हो जाती है, उसके अंदर जान नहीं होती, डेप्थ नहीं होती और बहुत हॉलो फील करती है, हॉलो बेस। ठीक है भाई, जो इन्फिनिटी की बेस है इट इज़ नॉट दैट हॉलो और इट इज़ नॉट, बट इट इज़ ऑल्सो नॉट दैट ऑफ अ ग्रेट क्वालिटी। भाई जो एंकर की बेस में ना, मैंने कितने सूफी गाने सुने भाई, वो जो हल्की हल्की लो एंड इंस्ट्रूमेंट्स की एक हल्की हल्की ढमढम की आवाज़ आती है ना भाई, तो वो धमक फील होती है। धा जो मेरा वर्ड है ना, इस पर ध्यान देना, वो आपको फील होगा। बेस की क्लैरिटी एंड उसकी क्वालिटी और उसकी अपनी साउंड जो होती है ना बेस की, वो पंच की, वो बहुत अच्छी आती है भाई। इसमें क्वालिटी है एंकर में भाई, इन्फिनिटी में इट इज़ क्वालिटी है, बट वहाँ पे भाई कई बार मुझे वो बेस ना थोड़ी फ्लैट होती हुई नजर आई, मीन्स उसमें डेप्थ मुझे कम लगी, और भाई कई बार थोड़ी सी मतलब काइंड ऑफ समवेयर डब्बे वाली बेस कुछ कुछ हद तक मेरे को लगी। तो मतलब क्वालिटी में भाई इन्फिनिटी की बेस मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी जितनी भाई एंकर की है। मुझे एंकर की बेस भाई कितने सूफी गानों में ना इतनी अच्छे स्पॉट पे लगी, और इवन जहाँ टाइट होनी होती है वहाँ टाइट भी हो जाती है, बट यहाँ पे आप बेस से कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। बट भाई एंकर की जो बेस है वो क्वालिटी में थोड़ी सी आगे है, उसमें सफाई ज़्यादा है, बहुत क्लीन तरीके से आती है, और जितनी अमाउंट में आती है वो बहुत क्लियर एंड विजिबल आती है। आपको वो धमक अच्छे मतलब एक डिसेंट अमाउंट में बहुत अच्छे से फील होगी। सेकंड बात भाई वोकल्स की, यहाँ बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई वोकल्स में। देखो वोकल्स इसकी क्लियर हैं, वोकल्स एंकर की भी क्लियर हैं, बट भाई इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड द टोन्स ऑफ द वोकल्स। भाई मिड रेंज की जो टोन्स और जो स्पेस ये लेके जाता है ना भाई एंकर, इसके जो वोकल्स हैं वो स्टैंड आउट कर जाते हैं। मतलब दे उनको कुछ चाहिए नहीं साथ में, वो अपने आप में ही मतलब खुल जाते हैं और बिल्कुल नेचुरल फील करते हैं। भाई मैंने कितने गाने सुने, इसके वोकल्स का मुकाबला मुझे नहीं लगा। मतलब इतने नेचुरल वोकल्स हैं भाई, दे आर नॉट बेस हैवी एंड दे आर नॉट टाइनी कि मतलब ट्रेबल सेंट्रिक, बिल्कुल नहीं। इसके वोकल्स बिल्कुल नेचुरल अपने पाथ पे हैं। जो इसके वोकल्स हैं ना इन्फिनिटी के, इसमें क्या दिक्कत लगी मेरे को, कि वोकल्स भाई काफ़ी अच्छे हैं, बट मुझे समवेयर इसके कंपैरिजन में, एंकर कंपैरिजन में नेचुरल कम लगे। और दूसरा रीज़न ये है कि इसके वोकल्स आर समवेयर अटैच्ड, मतलब इनका जो मतलब अटैचमेंट है ना वो मिड बेस के साथ में है। ठीक है, अब जिस गाने में मिड बेस आती है ना भाई, तो ये मान लो बेस आ रही है, मिड बेस भी और वोकल्स थोड़े से फिर हैवी हो जाते हैं, तो जब मिड बेस ट्राई करती है ना, तो भाई वोकल्स को ना एक अपनी जगह नहीं मिलती स्टैंड आउट करने के लिए एंकर में। अब ये समझो कि ये इसकी मिड, ये मतलब मिड बेस है और ये ऊपर आपके थोड़े से वोकल्स हैं 500 हर्ट्ज के आसपास, तो भाई उनके पास स्पेस ज़्यादा है सामने अच्छे से आने के लिए। ये मिड बेस जो है ना कभी भी गाने में किक इन करती तो इससे ऊपर जाती ही नहीं है, तो भाई वोकल्स को पूरी स्पेस मिलती है। और वोकल्स भाई सामने जितने गाने मैंने सुन लिए ना भाई, सब में वोकल्स अपने आप ही सामने आ जाते हैं। और जैसे एक गाना था भाई तूने मारी एंट्री है दिल में बजी घंटियाँ, भाई उस गाने में भाई एंकर ने बहुत अच्छा मतलब एक कॉम्बिनेशन और एक मतलब पूरी आवाज़ बना के रखी है, वो हाई नोट्स की, बेल्स की, लो एंड की और वोकल्स की। भाई उसमें ये आवाज़ थोड़ी सी भाई मैशअप कर गई थी, मीन जो पीछे की जो एक मिड बेस आ रही थी और भाई वोकल्स, वो कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पाया था, तो भाई ये निकल जाता है इसके वोकल्स नेचुरल एंड बहुत ज़्यादा मतलब स्टैंड अलोन कर जाते हैं। और बात करें हाइस की, भाई इसमें अपर ट्रेबल वाला पार्ट अच्छा है, बट इसमें सेपरेटेबिलिटी बहुत कमाल की। रीज़न इज़ दैट भाई जो हाई रेंज की टोन्स हैं, जो अपर ट्रेबल है, वो एक स्वीट स्पॉट पे है, मतलब वो बिल्कुल भी मिक्स नहीं होती मिड रेंज के इंस्ट्रूमेंट्स की टोन के साथ, दोनों की टोन्स अलग अलग हैं, तो भाई सेपरेटेबिलिटी बहुत कमाल की आती। मैंने कितने गाने सुने भाई, इसमें वो एक अलग अलग बारीकी वाली आवाज़, एक कुछ कुछ आवाज़ें होती हैं जो भाई मतलब एक अलग से आ जाती हैं भाई, वो स्पीकर में आती, इसमें भी आती हैं, और बट इसमें भाई मतलब बहुत अच्छे तरीके से आप इजीली अपने कानों को नोटिस हो जाएंगी कि ये चीज़ अलग अलग आ रही है। तो भाई हाइस में बोलूँगा कि भाई सेपरेटेबिलिटी इसकी USP है, मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट अलग से बिल्कुल। ठीक है, तो भाई अगेन भाई बेस क्वालिटी इसकी अच्छी है, वोकल्स इसके स्टैंड आउट कर जाते हैं, नेचुरल वोकल्स हैं, और आपके माइंड में आएगा कि भाई इसका जो डबल बेस मोड है, मीन्स वो डीप बेस मोड, तो भाई उसमें ऑब्वियसली जो बाकी म्यूजिक क्लैरिटी होती है, मीन्स की जो इंस्ट्रूमेंटल होती है, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, वो भी भाई थोड़ा सा आपको रिच कम लगेगा और हल्के सा बेस बढ़ेगा, बट उसके बाद भी जो बेस क्वालिटी इसकी है भाई, वो ये मैच नहीं कर पाता साउंड क्वालिटी के लिए। इन दोनों में से भाई ये स्पीकर उठा लेना, 4 घंटे का बैटरी बैकअप है, कनेक्टिविटी का इशू नहीं है और माइक्रो यूएसबी चार्जिंग है। अब आते हैं भाई यहाँ पे मीवी बे और बोट पे। छोटी सी बात है भाई, यहाँ पे आपको मैं एक ट्रैक सुनाऊंगा यहाँ पे, ताकि आप समझ पाओ, बिकॉज कई बार आपको मेरी बात पे बिलीव नहीं होगा, बिकॉज मे बी आपने मीवी की बहुत तारीफ सुनी होगी, यार बहुत कमाल का साउंड करता है, ये है वो है, बट भाई मेरा क्या रिव्यू है, मेरा क्या फीडबैक है, बहुत टाइम सुन रहा हूँ, मतलब जब से आए मैं यही स्पीकर सुन रहा हूँ, दोनों बोट का भी स्पीकर आया था मेरा ये वाला। तो भाई देखो
बोट में 5 वॉट का स्पीकर है, में भी 5 वॉट का स्पीकर है, ठीक है, दोनों का ब्लूटूथ वर्जन 5.0 है, इनको साइड करो भाई। 5 वॉट के स्पीकर के हिसाब से बोट का ड्राइवर साइज मेरे ख्याल से ज्यादा है, मैंने टियर डाउन नहीं किया तो मुझे नहीं पता, बट भाई बोट ज्यादा लाउड है, मेवी 5 वॉट का है, उससे ज्यादा लाउड है बोट, और एक डिफरेंस अच्छा खासा है, मीन्स वोकल्स लाउड लगते हैं, जो ट्रेबल खुल के सामने आती है वो भी, मतलब उसकी रेंज वाइड लगती है, और बेस का अमाउंट, बेस बोलूंगा कि 19-20 का डिफरेंस है इन इन द अमाउंट, ठीक है, बट स्टिल भाई जो ओवरऑल वॉल्यूम है, जो एक आउटपुट है साउंड का, एम्पलीफिकेशन भाई वो बोट का ज्यादा है, और किसकी क्वालिटी ऊपर है, दैट इज अ बोट भाई। मुझे कहीं कहीं मतलब बोट, देखो मेवी की आवाज अच्छी है, पर प्रॉब्लम क्या है, क्रैकलिंग आई एम टॉकिंग अबाउट। अब मैं सेम ट्रैक प्ले कर रहा हूं भाई बोर्ड के साथ, इसको सुनो। बहुत माइनर चीज इसमें भी आती है बट वो बहुत कम है भाई एज कंपेयर टू मे बी। आई होप आपको समझ में आ गया हो भाई, एक ओवरऑल म्यूजिक है फॉर द मिड रेंज वोकल्स ट्यून्स बेस एंड इवन द हाई। जो हाई पार्ट है वो खुल के सामने आता है, उसका एम्पलीफिकेशन इससे ज्यादा है ब्रो। आप चाहो तो अगर वापस सुन के देखना, रिवाइंड करके, यू विल गेट टू नो। यहाँ पे सुनना स्पीकर की परफॉर्मेंस। Deep in the shadows, I know it's hard. Pull one foot in front of the other. So far as the ego, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. Take my hand. कहीं ना कहीं क्लैरिटी नीचे आ जाती है। अब ये सेम गाना आप सुनो इसमें। Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the ego, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. अगर आपने गाना यहाँ पे सुना हो तो यहाँ पे अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया हो तो जब मतलब
एक आपको एक हल्की सी रैटलिंग नजर आएगी, आपको एक गाने में एक हल्का सा डिस्टॉर्शन नजर आएगा, आप बोलोगे यार यहाँ पे आवाज क्लीन नहीं आ रही, साथ में एक नॉइज आ रही है अलग सी, मुझे ये चीज़ ये तो अभी यहाँ पे कम लग रही है। एक गाना है गर्ल ओके सुखी भाई का, बहुत पुराना गाना है, बहुत फेमस गाना है भाई। जब जैसे ही वो गाना स्टार्ट होता है आपने उसकी बीट सुनी होंगी भाई, जब वो बीट्स जब वो मतलब आई थिंक वो गिटार की आवाज़ है, आई डोंट नो, मुझे श्योर नहीं हूँ, जैसी वो आती है ना भाई, तो उसके साथ में जैसी वो आती है आवाज़ भाई, वो बोट में बिल्कुल क्लीन आती है। मैंने जेबल का सेंशियल भी यूज़ किया अपना, उसमें भी क्लीन आती है, एंकर में भी क्लीन आती है, इन्फिनिटी में भी, बट मीवी में भाई उसके साथ साथ ना एक अजीब सी एक नॉइज आती है, एक रैटलिंग से आती है, पता नहीं क्या लगता है, किरकल लगता है, बोलते ना किरकल साउंड में, एक मतलब फिल्टर्ड नहीं है साउंड प्रॉपरली, मुझे भाई इसकी फिल्ट्रेशन की दिक्कत लगी, आई डोंट नो व्हाई इट इज़, बट है। और कई गानों मुझे ये चीज़ फील हुई, कई गाने अच्छे लगे बट भाई कई गानों में ये चीज़ मुझे लगी। और भाई एक और दिक्कत मुझे क्या लगी, देखो बेस की कंपैरिजन करोगे तो बेस में भाई आई कैन से दोनों अच्छा है भाई, मीवी का स्पीकर वाइब्रेशन अच्छी कर देता है, मतलब बेड में वाइब्रेशन फील हो जाती है। बेस क्वालिटी बोलूँगा इट इज़ डिसेंट बट नॉट दैट ग्रेट, मुझे उससे ज़रा सफाई वाली बेस लगी, मतलब क्लीन लगी विदाउट एनी डिस्टॉर्शन, वो बोट की है भाई। सेकेंड थिंग है वोकल्स की बात, भाई देखो वोकल्स जो है ना मीवी के, मैं बोलूँगा इट इज़ डिसेंट, बट वही भाई कई बार जब बोल आते हैं ना तो मुझे कुछ कुछ जगह पे भाई लगा एक रैटलिंग अजीब सी लगी, आई डोंट नो व्हाई, बट भाई बोट के वोकल्स लाउड एंड क्लियर है, बेस है भी जरूर है, मतलब बिल्कुल ये नहीं कि असिमेट्रिकल है, बट हाँ बेस है भी वोकल्स हैं, बट देयर क्लैरिटी अच्छी है और सामने अच्छे से आते हैं। एंड एक रीज़न और है, वो ये है कि भाई जो जो इसके वोकल्स हैं ना किसके मूवी के भाई, इससे मुझे एक दिक्कत ये लगी कि मैंने कई जगह नोटिस किया भाई, जैसे जो ये चीज़ होती है ना भाई इसमें हम में ना, जब कई ये सिंगर्स करते हैं तो भाई वहाँ पे जैसे हल्की सी आवाज़ बेस हैवी होती है, ये जो गूंज वाली आवाज़ आती है, तो भाई ये मूवी का स्पीकर ना बहुत वियर्डली रिएक्ट करता है, होता है ना वो बहुत ज़्यादा पॉप आउट होता है, बहुत अलग तरीके से, एक बेसी वे में जो अच्छा नहीं होता, वो कंट्रोल नहीं हो पाता और बहुत ही वियर्ड तरीके से पॉप होता है, जो मुझे भाई कई जगह लगा एंड दैट वॉज नॉट गुड। वो चीज़ भाई हल्की सी बोट में भी थी बिकॉज वोकल्स जो बेस हैवी हैं, बट मूवी में ना थोड़ी ज़्यादा नोटिसेबल थी। और बात रही हाइस की, तो भाई मूवी के हाइस डिसेंट है, बट क्या है जब बोट्स खुलता है ना तो भाई वो मूवी के साउंड को थोड़ा दबा देता है, तो भाई बोट्स की यहाँ पे साउंड थोड़ी सी मुझे भाई हल्की सी एच पे लगी, बिकॉज यहाँ पे कोई रैटलिंग कोई नॉइज़ नहीं है, मतलब आवाज़ पूरी क्लीन एंड फिल्टर्ड आवाज़ है, ज़रा सी भी कोई मतलब वो हल्की सी किरकल जो म्यूज़िक में होती है वो बिल्कुल सामने नहीं आती है बोट के स्पीकर में, और ये लाउड ज़्यादा है। मूवी का स्पीकर मुझे इतना डिसेंट लगा, बट भाई साउंड में मुझे थोड़ा सा लगा कि यार नहीं उतना नहीं है, तो भाई मैं साउंड के लिए तो रिकमेंड नहीं करूँगा मूवी का स्पीकर। बैटरी के लिए तो भाई इनसेन है, बाकी अगर अंडर 1000, अब ये एक छोटी सी बात, अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो बोट को किससे एंकर से, तो वो मत करना, रीज़न इज़ दैट भाई क्योंकि एंकर का स्पीकर भाई आपका जो है छोटा स्पीकर है, आप बोट से एंकर पे आओगे तो ऐसा लगेगा कि साउंड बिल्कुल बहुत कम हो गई, म्यूज़िक बिल्कुल शैलो हो गया और हॉलो हो गया, बिकॉज वहाँ से बेस निकल जाती है, क्योंकि स्पीकर में उतनी बेस नहीं आती भाई जितनी बोट में है, तो ये चीज़ मत करना। मूवी और बोट में से आई विल रिकमेंड बोट, इन दोनों में से आई विल रिकमेंड एंकर। सो आई होप आपको वीडियो सही लगा हो भाई, कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी लगे मुझे नीचे पूछना कमेंट सेक्शन में, एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।